आज के खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर के सामने 144 रन का टारगेट रखा। राजस्थान ने अपने शुरुआती विकेट जल्दी जल्दी गवा दिए, लेकिन रियान प्रयाग ने आखिरी ओवर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन ने 21 गेंद पर 27 रन का योगदान दिया। आज के मुकाबले में बेंगलोर की तरफ से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, जिसमें जोश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज और असरंगा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। तीनों गेंदबाजों ने दो दो विकेट लिए और राजस्थान रॉयल की जो बल्लेबाजी थी उसको तहस नहस कर दिया और एक अहम मुकाबले में राजस्थान को एक छोटे स्कोर पर समेट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर की टीम की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल आदि प्लेयर बहुत जल्दी आउट हो गए। 66 रन के निजी स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद तो बेंगलोर की टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आर अश्विन और कुलदीप सेन की शानदार गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दिए। कुलदीप सेन ने 4 विकेट हासिल किए और रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही यजुवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट ने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और इस प्रकार राजस्थान की टीम ने यह मैच 29 रन से जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।